वंदेमातरम शिक्षक साथियों, शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों और विद्यार्थियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शाला दर्पण पोर्टल पे विद्यार्थियों की जो भी परख हुई है और या अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के मार्क्स है वो किस तरीके से होंगे, किस किस कक्षा के कितने नंबर के अंक होंगे और उसकी प्रविष्टि किस प्रकार से होगी और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस तरीके से उसका समाधान करेंगे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो महत्वपूर्ण अपडेट है कि शाला दर्पण पोर्टल पे टेस्टों के और अर्धवार्षिक परीक्षा वगैरह वार्षिक के सभी के नंबर है, वो मार्क्स से एंट्री का ऑप्शन है वो शुरू हो चुका है। कई लोगों के कुछ समस्याएं भी आ रही है तो मैं जो जो समस्या आ रही है संभावित है उनका भी समाधान इसी में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी को उचित रोल नंबर प्रथम परख में ही देना सुनिश्चित करें, यानी जो भी रोल नंबर है वो आपको पहले टेस्ट है उसी समय दे देने, उसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट NSO वगैरह होता है तो भी नंबर है वो चेंज नहीं होंगे। अगले पॉइंट है कि प्रपत्र 7 और 7A में विषय या तृतीय भाषा का विकल्प चयन करें, जैसे 11वीं 12वीं में जो विषय या फैकल्टी वगैरह है और उसके बाद में 6वीं 7वीं 8वीं में खास करके संस्कृत या जो भी थर्ड लैंग्वेज है, जो भी उर्दू है, पंजाबी है या सिंधी, ज़्यादातर के संस्कृत है, तो उसका विकल्प है वो चयन करना है और अंतिम परीक्षा तक इनके क्रम को नहीं बदलना है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विद्यार्थी की मार्कशीट उपस्थिति के मॉड्यूल को अपडेट करें और माहवार कार्य दिवसों की प्रविष्टि करें, यानी जो दो तरह की जो उपस्थिति आपको इसमें करनी है, एक तो है कि कार्य दिवस, सबसे पहले आपको विद्यालय लॉगिन में जाकर के शाला दर्पण में कार्य दिवस है वो अपडेट करेंगे तभी आप स्टूडेंट की उपस्थिति को अपडेट कर पाएंगे, तो ये भी काम आपको करना है। और इसके बाद में विद्यार्थी टैब में सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री ये भी आपको करनी है ताकि विषय के अनुरूप अपडेट हो जाए, खास करके मीडियम अगर हिंदी इंग्लिश का जो भी है और तो उसको विशेष रूप से आप करें। उसके बाद में कक्षा 6 से 12 तक प्रथम द्वितीय और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि है वो प्रारंभ हो चुकी है और जिसको निम्नानुसार भरा जाना सुनिश्चित करें, यानी किस तरीके से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण लॉगिन करना है, उसमें आपको परिणाम वाला जो टैब है मॉड्यूल उसमें आपको क्लिक करना है और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, तो इसमें यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है 2023-24 रिजल्ट रीसेट डाटा। अगर किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा है और कुछ स्टूडेंट के नाम शो नहीं हो रहे हैं तो आप रिजल्ट रीसेट डाटा 2023-24 पर क्लिक करें। उसके अलावा सत्रांक प्रविष्टि और इसके अलावा प्राथमिक अधिगम मूल्यांकन सत्रांक प्रविष्टि और विषय अध्यापक मैपिंग ये भी ऑप्शन है, हालांकि ये सारे काम आपको पहले कर देना है, विषय अध्यापक मैपिंग वगैरह। और उसके बाद में सबसे पहले जैसे आप कोई भी क्लास सेलेक्ट करेंगे तो किसी भी कक्षा को सिलेक्ट करेंगे उसमें सबसे पहले सत्र है वो 2023-24 सेलेक्ट करना है, कक्षा आपको सेलेक्ट करनी है 6 से लेकर के 12 तक जो भी कक्षा है, उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट करना है ABC जो भी है, उसके बाद में प्रथम परख ये सर्च करके आप शो करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो लिस्ट वगैरह वो खुलेगी। इसके बाद में 11वीं 12वीं के लिए लॉगिन करेंगे तो उसमें या सेलेक्ट करेंगे कक्षा 11वीं या 12वीं, तब उसके जो सेक्शन और क्लास के अलावा स्ट्रीम और पूछेगा, स्ट्रीम का मतलब शंका है कि वो स्टूडेंट साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, एग्रीकल्चर का है, उसको आपको सेलेक्ट करके आपको शो पे क्लिक करना है तो विद्यार्थियों का नाम शो हो जाएगा। अगर मान लो किसी कारण से विद्यार्थियों का नाम शो नहीं हो रहा है और नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, यानी जैसे ही आप यहाँ से सेशन 2023-24 सेलेक्ट कर दिया, कक्षा सेलेक्ट कर ली, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, पैटर्न में ऑल कर दिया और उसके बाद में सेक्शन स्ट्रीम में जैसे आर्ट्स कर दिया, साइंस कोई भी कर दिया और प्रथम टेस्ट आपने सेलेक्ट करके शो पे क्लिक किया और नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको रिजल्ट रीसेट डाटा 23-24 इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप इसको यहाँ बता रहे हैं मैंने कि यहाँ जैसे प्रविष्टि पे क्लिक कर रहे थे लेकिन नाम नहीं आ रहे हैं तो आपको रिजल्ट रीसेट डाटा इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में डाटा को रीसेट करना है। यहाँ से जैसे शो पे क्लिक करेंगे इस तरीके से तो यहाँ आपको इस तरीके का जो ऑप्शन है रिजल्ट स्टूडेंट रिजल्ट डाटा है रीसेट पे, तो प्रथम टेस्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कक्षा करेंगे, उसके बाद में सेक्शन, उसके बाद में सेशन 2023-24 और स्ट्रीम साइंस कॉमर्स वगैरह जो भी है वो सेलेक्ट करें और शो पे क्लिक करेंगे, तो शो पे क्लिक करेंगे और नीचे जो एक ऑप्शन दिया होगा सिंक्रोनाइज डाटा रिजल्ट डाटा यानी सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, इस पर आपको नीचे जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ इस तरीके से क्लिक करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट के नाम है, उनके फैकल्टी का नाम, SR नंबर और जो भी विषय होंगे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश वगैरह जो भी है वो शो हो जाएंगी, उसके बाद में सिंक्रोनाइज डाटा पर क्लिक करना है तो इस तरीके से ये नाम है पूरी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी और पुनः परिणाम प्रविष्टि आने जाने की जाने पर निम्नानुसार विद्यार्थी की अंक सूची बनने तो प्रदर्शित होगी, जहाँ पूर्व में 9 रिकॉर्ड प्रदर्शित हो रहा था, अब जैसे ये आप एक बार सिंक्रोनाइज कर लेंगे तब आपके सामने इस तरीके से ये नाम वगैरह आएंगे, यानी वापस दोबारा आप जिसमें
सेशन सेलेक्ट करेंगे, कक्षा सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और प्रथम टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्टूडेंट का नाम और SR नंबर ये शो हो जाएगा। अब इसमें आपके जो हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश है, इसके अलावा तीन जो सब्जेक्ट होंगे जैसे यहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट आपके शो होंगे जो आपने प्रपत्र में भरे होंगे वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे, यानी उनके मार्क्स का फीडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इनमें आपको नंबर की एंट्री करनी है और नीचे जो सेव बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि कौन कौन से नंबर या कितने नंबर के क्या क्या होगा, तो एज पर लेटर ऑफ डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बीकानेर डेट 6/10/2023 का जो भी लेटर था, निदेशालय का जो लेटर था, क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एज बिलो फॉर्मेट, यानी किस तरीके से होगा, तो कक्षा एक और दो के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है ऑफलाइन बनाना पड़ेगा या जारी किया जाएगा। कक्षा तीन से लेकर के पाँच तक RKSMB के प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी अलॉन्ग विथ, यानी इसके अलावा लोकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट स्कूल लेवल, यानी स्कूल लेवल पे भी परीक्षा होगी और RKSMB के भी इसमें शामिल होंगे और कक्षा छठी से आठवीं तक इसके भी इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होंगे, तो जैसे कक्षा छठी से आठवीं की बात करें तो RKSMB के जो भी सब्जेक्ट्स है जैसे हिंदी है, इंग्लिश और मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट तो RKSMB के है, तीन सब्जेक्ट SST यानी सामाजिक विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज ये नॉन RKSMB के हैं, यानी इसमें RKSMB का पेपर नहीं होता है। तो छठी सातवीं के लिए जैसे हिंदी का है तो इसमें पहला टेस्ट 10 नंबर का, दूसरा 10 नंबर का, RKSMB का पहला जो है वो 15 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी जिसमें 50 नंबर की परीक्षा थी जिसमें 40 नंबर रिटर्न के थे और 10 मौखिक यानी ओरल के थे, इस तरीके से 50 नंबर थे। RKSMB के 2 के भी 15 नंबर है और वार्षिक परीक्षा जो अभी हुई है उसके भी 70 नंबर है जिसमें से 55 नंबर के रिटर्न है और 15 नंबर का मौखिक या ओरल है, इस तरीके से 70 हो गए। 70 और 30 वापिस तीसरा जो RKSMB के है वो 30 नंबर का, तो वार्षिक परीक्षा और तीसरा RKSMB के यानी 70+30 100 हो गए और ये तीन टेस्ट और 15, 30 और 50 और ये 20 कुल मिला के 100 ये अर्धवार्षिक तक के और दो RKSMB के दो टेस्ट के और वार्षिक परीक्षा और RKSMB के थर्ड के भी 100, इस तरीके से 200 नंबर का पेपर होगा। इंग्लिश में भी सेम होगा, मैथ्स में भी सेम होगा, SST साइंस और थर्ड लैंग्वेज इसमें RKSMB के का नहीं है तो आपके 10 नंबर का प्रथम टेस्ट, 10 का दूसरा टेस्ट, 80 नंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा, इस तरीके से 100 नंबर हो जाएंगे। 80 नंबर में से भी 65 नंबर का तो रिटर्न होगा यानी अर्धवार्षिक का लिखित पेपर हुआ है और उसके बाद में 15 नंबर है वो मौखिक के हैं, इस तरीके से 80 और 20 100 हो गए। उसी तरह से इनके RKSMB के नहीं है तो इनके वार्षिक परीक्षा भी 100 नंबर की होगी जिसमें 80 नंबर रिटर्न के होंगे और 20 नंबर है मौखिक के होंगे, इस तरीके से 100 ये और 100 अर्धवार्षिक तक के मिलाकर के 200 नंबर का पेपर होगा। तीनों सब्जेक्ट इसमें इस तरीके से होगा। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव, आर्ट एजुकेशन वगैरह, इनके 100-100 नंबर के जो पेपर होंगे, एक तरह से वार्षिक परीक्षा के ही पेपर होंगे। 4 SJE, TAD, DFandom स्कूल्स वगैरह जो भी मूक बधिर विद्यालय वगैरह है उनमें प्रोविजंस ऑफ थर्ड टेस्ट अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल मार्क जो है वो तीसरे टेस्ट और दूसरे नंबर का भी जो भी पैटर्न होगा वो डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के अनुसार होगा। अब बात करें कक्षा 9 से 10 की, तो कक्षा 9 से 10 के लिए कक्षा 10 का जो भी पैटर्न होगा तो 10 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ये थर्ड लैंग्वेज वगैरह जो भी पेपर होंगे इनमें प्रथम टेस्ट 10 नंबर का, द्वितीय टेस्ट 10 नंबर का, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 नंबर की और तृतीय टेस्ट है 10 नंबर का, इस तरीके से 10+10+10 30+70 100 नंबर है अर्धवार्षिक और थर्ड टेस्ट तक और वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की, कुल मिला के 200 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा और टोटल 600 में से होगा, 600+600 1200 का होगा, यानी 600 एक तरह से जैसे 200-200 का जो पेपर होगा, तो इस तरीके से हिंदी 200, इंग्लिश 200, मैथ्स 200 और इस कुल मिला करके 1200 अर्धवार्षिक 600 की और 600 वार्षिक तक के होंगे। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के 200 नंबर, राजस्थान का स्वर्णिम आंदोलन का जो स्वर्णिम द्वार इसका भी 200 नंबर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी 200 नंबर, SUPW के 100 नंबर और आर्ट एजुकेशन के 100 नंबर होंगे और जिनमें ग्रेडिंग होगी, तो इस तरीके से ये होगा। अब बात आएगी 11वीं 12वीं की, तो 11वीं 12वीं के लिए यहाँ भी जैसे हिंदी है वो 10 नंबर की टेस्ट, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट 10 नंबर का और हाफ ईयरली 70 नंबर की और थर्ड टेस्ट 10 नंबर की, इस तरीके से 30+70 100 नंबर और वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की होगी। इंग्लिश में भी सेम होगा। अब बात होगी थ्योरी के पेपर है तो थ्योरी के पेपर में भी सेम पैटर्न होगा, जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह है तो जिसमें तीन टेस्ट होंगे 10-10 नंबर के, अर्धवार्षिक 70 नंबर की और वार्षिक परीक्षा जो होगी वो 100 नंबर की, कुल मिला के 200। अब प्रैक्टिकल जो पेपर होगा यानी साइंस जैसे जो सब्जेक्ट है उसमें प्रथम टेस्ट 10 का, द्वितीय टेस्ट 10 का और अर्धवार्षिक के 50 नंबर की लिखित होगी, थ्योरी होगी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल,
तीसरा टेस्ट 10 नंबर का, और इसी तरीके से वार्षिक परीक्षा में भी 70 नंबर का थ्योरी होगी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, इस तरीके से 200 नंबर होंगे। तीस स्पेशल कोई अगर विषय है जिसमें दो टेस्ट तो 10-10 नंबर के होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम है, उसमें 20 नंबर की थ्योरी और 50 का प्रैक्टिकल होगा, फिर तीसरा टेस्ट 10 नंबर का होगा, और थ्योरी वार्षिक परीक्षा में भी थ्योरी 30 नंबर की और 70 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, यानी स्पेशल जो विषय है उनमें प्रैक्टिकल का वेटेज ज़्यादा होगा, तो वो भी कुल मिला के 200 का होगा। शॉर्ट एंड टाइपिंग वगैरह है या टाइपिंग हिंदी इंग्लिश वगैरह, इनके भी 10-10 प्लस हाफ ईयरली के 30 प्रैक्टिकल 30 थ्योरी के, इस तरीके से तीसरा टेस्ट है वो 10-10 नंबर का और वार्षिक परीक्षा है वो 50 प्लस 50, यानी 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल होंगे, इस तरीके से होंगे। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत है 200 नंबर का, उसमें भी ग्रेडिंग होगी, और जीवन कौशल भी 200 नंबर का पेपर जिसमें भी 200 में से ग्रेडिंग होगी। इसके अलावा फॉरेनिक वायरिंग रिगार्डिंग मार्क्स फीडिंग, यानी मार्क्स फीडिंग से संबंधित कोई भी अगर समस्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट से संबंधित या न्यू डिपार्टमेंट अपडेट्स रिजल्ट से संबंधित वगैरह है, तो या तो आप सारा दर्पण सेल से कॉन्टैक्ट करें, या अगर आपकी कुछ भी समस्या आ रही है तो आप हेल्प सेंटर मॉड्यूल स्कूल इशू है उस टैब में जा करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो मार्क्स की थी, जो छोटी क्लास के मार्क्स थे उनमें होलिस्टिक कार्ड होगा, ऑफलाइन का होगा, तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको सलाह दर्पण के जो भी मार्क्स है वो फीड करने हैं। जहाँ जहाँ आपकी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब देने का, और ये पूरी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको सारा पैटर्न है, कक्षा 6 से 8वीं तक 12वीं तक का अलग अलग विषयों का सारा पैटर्न आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।